मुझे तो बहुत अच्छे लगो, बहुत अच्छे लगो दिल से बिल्कुल। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मेरी शुरू की सुबह की शुरुआत हुई है रोटी के साथ में, देख सकते हो चूल्हे की रोटी। हाँ मम्मी, ये मामा पता रोटी बना देगी कि ना। ओ आशा हिम्मत दिखा दी, हिम्मत दिखा दी आशा। ओ बहन पतंगा तंगा मत छोड़ दी हमारे ऊपर। अरे जब ही भग रहे मुझे लगा डर इन चीजों से। किसने? अच्छा फुकरा, पहले मैं रोटी बना लूं फिर मिलती हूँ। और आज विकी टाइम बताइए 8-9 बजे। और आज मेरी स्टार्टिंग होगी रोटी से, तो दिखाती हूँ और देखो इनका हाल बताऊंगी रात को इनके क्या हुआ है। जाओ नानू को दे के आओ, गाय आएगी ना, गाय की रोटी दे देंगे नानू। जाओ जाओ नानू गाय को दे देना, क्योंकि फिर हमें पता नहीं चलेगा गाय का। सही बात है, जिसको डॉगी वही उठाएगा। मेरी बहन ने बनाई, देखिए या कुछ और कौन लो बैठ गई और बैठ गई ना। शर्म तनारी नो तो कहने तो गई मैं बना लूं। जो कोई देखेगा ना मुंह में पानी आ रहा होगा इनके भी, भाई खा लो मुंह में पानी मत लाओ। आ जाओ, जिस किसी के प्रीति का आपकी रोटी खानी है वेलकम है आप सबका। हाँ क्यों बनाने को प्रीति बैठी है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ा दीदी। तो यह बात कहने में सच बताइए तो क्या फर्क पड़ रहा, तू भी तो सेवकदार है तू। सेवकदार हूँ मैं तो। लगता है ना हम सिर्फ अपने व्लॉग वीडियो में ध्यान देते हैं, उनके लिए ये आंसर है कि हम अपने बच्चों को अपने काम के साथ साथ पढ़ाते भी हैं, है ना बेटो? मम्मा मैंने तो 6 पढ़ ली ना। वेरी गुड, देख लो मैं यहाँ पे बैठी हूँ रोटी बना रही हूँ, जो दक्ष को नहीं आ रहा वो बता रही हूँ। और आप देख सकते हो हमारे सारे ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ रहे। वेरी गुड, दक्ष को मैं इंग्लिश रीडिंग सिखा रही हूँ। फाइनली हमारा नाना धोना हो चुका है, टाइम हो चुका है 8:30 का। और पूजा तो हमारी खैर हो चुकी थी सुबह ही। राधे राधे लड्डू। राधे राधे लड्डू। तो फिलहाल मैं दे देती हूँ सूरज को पानी। बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छी रीडिंग की दक्षु ने, बहुत ही अच्छी। देखो देख बहन, तू मेरे सूट काटने को बैठी है क्या? मामा रोटी रोटी दे दो। चलो पहले बच्चे तो रिटायर कर दे, अभी फाड़ दे। काट रही है सच में, ये हद होगी। डोरी खा लो चुप, किटू रोटी भी खा ले, बच्चाई की शौकीन है। तो 6:15 लगो, कितना टाइम हो रहा? 10। बताओ हद होगी, जो तभी बोलो। हमारी मम्मी सो रही, भाई पता ना आज ये कहाँ जुगाड़ कर रही है। मम्मी भी सोती हुई उठा ली ना, पता ना आज ये क्या करेंगे। दक्षा तेने पैकिंग कर ली अपनी? ओ इसने पैकिंग कर ली, वाह भाई वाह, पैकिंग होगी दक्षु की किट्टू की। घड़ाई गाफा जोड़ लिए थे हमने तो, गठिया पठिया बांध लिए अपनी है। बाय जीजी, ए जीजी, ए जीजी बाय बाय, ए जीजी, ए ए भी रुकी है, के ले रही है, हाँ? कपड़े कितने रुपए किलो? बालकों के ले ले अपने। ओ भाई गटिया, ये आपकी है सारी जीजी? है तो बेच रही है, ले मेरे। चोर का बाजार का माल है। चोर अच्छा चोर ए बैठ तो बोल लो विदारा, अच्छा चोर बाजार, पापा चोर बाजार का माल निकल रहा। पापा एक कमेंट आई, आप अपने पापा को अपने व्लॉग में लिया करो। हाँ एक एक ने मेरे पास भी मैसेज करा, आपके पापा रियल में। आप कौन हो? आप कौन हो? आपकी सिस्टर।
ए बीबी तो गठिया वाली है, मैं गठिया वाली नहीं, सच सच में तो तेरी बबी कौन है ऊबी तो कह रहा था मेरी मम्मी गठिया वाली है ओ चुटिया नू पता ना मेरी चोटी अच्छी लग रही है नहीं लग रही, प्रीति तवर को तो मैं चोटी पसंद नहीं आ रही, बिल्कुल भी ना देख कैमरे के आगे दिया रो आधा तेरे को एक गठिया वाले मालिक आ रहा ए भेड़िया गठिया निकाल ले, कहाँ जा रही है, अंदर बढ़ना लाओ नहीं है ए अब भैया बोला अपनी मम्मी चल पार था फटो पीटे यहाँ से नहीं किटू चल चप्पल पहनो और मारेगी गठिया वाली पहले रिटायर हो जाना, जब नंबर आवे क्या कहती फेंक रहे, जब वो सोचा जावे काश या रख लू या रख लू, आज हमारी मम्मी की नियत देखो ए रख ली, देखो तो लगती है ये क्या करोगे आप, देखो रख ली रिटायर लिस्ट हाय क्यों उठा चल अपनी गठिया ने तुम्हारा कबाड़ लिकाड़ रही हूं तू 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 लिकाड़ रही कबाड़ यू लेके जा रही मम्मी आज पांच गठिया जोड़ रखी है ना पांच गठिया और देखो ने ले लेके जा रही लो पापा धक्का दे रही तो बच्चों की डिमांड हो चुकी है, उनका मानना है कि मम्मी आज हमें फिर आलू के परांठे खाने, क्योंकि प्रणव पार्थ और मम्मी आलू के परांठे इनसे इनजी, और हमारी यहाँ मैडम की देखो जी यहाँ मैडम के आलू परांठे बनाने देख रहे हो, कह रही मैं बना रही हूँ और तू करती रहे, आराम से बैठी हूँ, लोग ही की डिब्बी दे दो दीदी तो अब हम गैस पे बना रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका, सुबह बनाई हमने चूल्हे पे रोटी और अब गैस पे बनाएंगे पराठे, कितना टाइम हो रहा किस किस को खाने पराठे खाने आपको पार्थो मन होना पड़ता पार्थो खाएगा गुड्डा बस लो भाई हो चुके हैं आलू के पराठे तैयार, लो मैम चटनी छाछ दही चटनी दही है, अरे ले जा मिर्च का चार भी कर कच्चे, देखो आप थोड़ा भरने पे ध्यान दीजिए जल्दी जल्दी भर रही हूँ ना, कोई रखो देखो अच्छा भेज दिया ओके जी नीचे गिर दे नीचे पैसे मिल रहे टंकी सेवल के ले ले शर्म आ रही है मौज आ गई तेरे दर ना मैं भी दो सेवल के रुपया हम भी दो देखियो कैसे करो मैं सिर फोड़ रहा हूं ओ सिर फोड़ रहा अपन अरे ले सिर मत फोड़ ले मुझे तो बहुत अच्छे लगो बहुत अच्छे लगो दिल से बिल्कुल ऐसा है कि दिल में नहीं अच्छी लगो मैं वैसे मैंने एक चीज देखी मुझसे ना ऐसे ही लोग कनेक्ट हुए जो मेरे जैसे दीदी मैं इसी बात सोच रही आज सुबह भी सच में ऐसे ही ना सुबह में यही कह रही दीदी मैं जैसे हमें ना हमें सब ऐसे ही मिलते हैं बड़ा बेटा है मेरा राम राम जी ठीक हो भाई आप भी आ जाते हैं मम्मी के साथ मम्मी बैठा लिया ये भी परेशान मम्मी पागल मत हो जाइए तुम्हें छोटा।
पास रहती है, उसके दादा खत्म हो गए साल भर हुए, तो दादी दादा ने छोड़ती है, शुरू से अपने दादा के साथ रही है। अच्छा, मुझसे ज्यादा उसका लगाव दादा दादी में ही है। मतलब ये पिंकी भाभी अभी तो है की है बुआ जगरेस के लड़का की बहू, बुआ जगरेस की लड़का भी तीन बहन है और हमारी ये दोनों एक सी होगी। ए दीदी ये आपकी बड़ी बहन और हमारी ये दोनों एक सी होगी, ये छोटी छोटी है, ये छोटी छोटी है दोनों। और इसको तो पेड़ा ने ठहराऊंगी, माँ को भी भोग लग गई, मेरे भी भोग लग गए। दीदी इनको बहुत मन करे, मैं तो लड़ू में ना पागल हूँ, इतने पागल है। सही बात है, जैसे मैं सपोर्ट करूँ ना ऐसे ही आप सब करो प्रीति को। दीदी ने हमारी ना सब्सक्राइब करो और शेयर करो। दीदी ने ना हमारी एक एक बात बताई है सच में, आके जिससे पता चला बहुत ध्यान दिल से देखूं भाई, दिल से बहुत अच्छी लगे तीनों ही बहन। दीदी आते रहना ठीक है, अब तो आते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे बस जरूरत है कि आते रहना कहने की। दीदी जरूर जरूर आते रहना ऐसे सब्सक्राइब। बड़ी टोकरी लेके बैठे शिवानी हर दोगे है ना, कपड़ा वाली समेत यही बैठी है, कहाँ है चल तो जाना। मम्मी के बिना रुपया ही कपड़ा से खाऊंगी भाई मैं तो, हट ना सो मैं तो पेट दूंगी फिर मैं आई बस। मम्मी ने तो घड़े इनके फेंक दिए कपड़ा, 70 कितने रुपए, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो यानी कि 40 किलो में से 7 गठिया ही का कमरा के मम्मी ने 7 गठिया। ए ए बहन 2 रुपए किलो की ले रही है, 5 रुपए का लेकर उसका चिलम्पिया तो दिए, चिलम्पिया 2 रुपए नो दिए मन्नू कह रहो वो है ही ना। अच्छा नहीं तो 82 बैठे ही हां नुकियो ना 2 रुपया पे तेरे तो आदमी हो कैसे कह रहे, मेरा तो देखे बैठो किस बार का लूटो आदमी ना हो ना यहाँ के बहुत चीज लगे भाई बहुत कुछ कमान लग बूढ़े तो घर में पड़ा है बाल कन की खेल खेल रहा अभी बचपन हो यार। कल तो दीदी ने करा अपना बचपन याद आ जाने कर लिया, चढ़ गई बचपन पागल। हमने भी अपने मोमो खेल करे तो ये बाल भी अपने मोमो खेल कर रहे। ए रोल आई पाइस द पाइस पाइस द पा खेल रहा आज बालकन की गैल जब तक आई गुलाइए ये खाड़ा खाड़ा ध्यान की सही है माँ। हम भाई आज माँ धोनी तक ले ही आई हमें भाई, मुझ पर तो चलो जा सच हुई धोनी तक, पर हमारी बुढ़िया में भी जो ने धोनी तक आ जाओ तो सुनसान सो नित कितनी रौनक रह गए हैं। गेट भी लग रही जय धोनी वाले बाबा की। किट्टू कहाँ से चढ़ गई, मार दीदी तो भी सही हूँ। जय धोनी वाले बाबा की जय।
जय हो। अरे मैं तो फोटो खिंचवा भाई थाली है यू। ये बंदर ही खिंडा गया जब ही तो आगे बंदर थाली वाली भी गिर गई। और मां लग गई, कोई गलती हो गई पर बाबा गलती हो ना है क्या। अच्छा तो क्या हुआ मगर फिर कैसे जाएंगे यूं ही आई होगी। अच्छा यही खत्म है। हां आ जाए, हम तो पहली बार गुफा में जे धोने वाले बाबा। हां यही जिसमें ये उसमें पी लो। मां ने तो ज्यादा टाइम लगा जी रोटी बनानी है। हौदी हुई है ना जो पहली, यू हौदी हुई है जो पहली अंगूर वाला फार्म। भाई पहले हम बाहर भी लदपद रहे भाई अंगूर। हाँ अंदर तो बाहर भी तो रहे भाई, बड़े तोड़े कर रहे छोटे से जो है कहा ये मकोई। अरे मैं चटनी भूजी तो बाद में बनेगी, अब रोटी ना बढ़े आज है। मैनू कह रही आज जो हो सके जल्दी चलू जल्दी चलू। मानू कह रही आज मैं तो जल्दी जानी तो ना दू। हाँ जी हाँ जी मुझे जरूरी काम है। किसको कह रही माँ? अच्छा मैं सोच रही विशाल माँ। ओ माँ अपने पोते ते कह आज यहाँ पता ना कहाँ चढ़ रहा जब तक खेल रहा तू। विशाल कोई आज तो माँ बालक बन रहा हूँ कती जब तक खेल रहा इनकी खेल। जैसा कि आप सबने देखा सुबह से हम बिजी से थे। सुबह तो ऐसे ही हो रहे थे काम वाम जल्दी कर लिया था क्योंकि हमने और उसके बाद में फिर आज हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं आज कैसा दिन रहेगा क्योंकि जल्दी उठ गए थे जल्दी काम कंप्लीट हो गया कहीं गए नहीं थे। आपने भी देखा फिर बच्चों की डिमांड हो गई थी तो फिर पराठे बना लिए उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड हो गया था। बाद में ऐसी बोर थे वो तो शुक्र है कि मेरी जो भी तीनों सब्सक्राइबर थी वो मुझसे मिलने के लिए आई। बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा मन लगा सच। बहुत ही अच्छा नेचर था उनका भी बिल्कुल मतलब बहुत फ्रेंकली थे और मतलब मानो कि जैसे हम हैं हम हंसी मजाक बहुत ज़्यादा ऐसी रहते हैं। वो उनको ना तो उनको लगा हमारे घर की वो पहली बार आई है ना ही मुझे लगा कि वो मुझसे पहली बार मिली है। और सीरियसली बताऊं मतलब उनमें से जो अंजलि बहन थी उन्होंने कहा था कि मेरी उनसे चैट पे बात हुई है बट मतलब मेंशन वीडियो मेंशन कर देते हैं बैक मेंशन वही था हाय हेलो वाला। और मुझे बाकी दो जो दीदी थी दोनों ही यानी कि अंजू दी और पिंकी दी उनकी तो मुझे आईडी भी नहीं पता सच बताऊं तो कि उनकी आईडी क्या है। और फिर भी वो मुझसे मिलने के लिए आई भाई ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब वो ऐसे आई। एक तो होता है कि सामने से मिल जाए तब बोलना होता है और वो सीरियसली मेरे घर आई मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। और उस दिन जब हम ओपनिंग वाले दिन थे तो उनकी वीडियो कॉल थी पूजा के पास लेकिन मुझे नहीं पता था बस मैंने हाय हेलो ऐसे किया था। मैं उनको देख भी नहीं पाई कि वीडियो कॉल पे है कौन लेकिन उन्होंने तभी कहा था कि मुझे प्रीति से मिलना है जरूर और वो घर पे आई इसीलिए स्पेशली मुझसे मिलने के लिए। और अंजू दीदी को तो वाकई में ही मेरे लिए बहुत दुख था। फिर अंजू दीदी ने मतलब बोला फिर मम्मी भी ऐसी सैड सी हो गई थी मम्मी भी रोने लगी फिर वो भी बताने लगी आप भी थी फिर उनकी आंखें भी भर आई
बट वो ये मैंने तो ठान रखा है ना रोऊंगी ना अपने मम्मी पापा को रोने दूंगी सच बताऊं तो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए। आज भी मैंने अपना इतना पत्थर जी कर रखा था कि बस पूछो मत। और अंजू दी ने यही बात बोली कि आंटी देखो वो आपको रोने नहीं देती, और यही बात मेरी है, ऑन कैमरा हो ऑफ कैमरा हो कुछ भी हो इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैंने जो बोला है वो मैं कर रही हूँ और करूँगी उस चीज़ को, मुझे सिर्फ इनके लिए रहना है क्योंकि मेरी आगे की लाइफ ये है। और अब से पहली वाली लाइफ और जो अब लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा हैं, लेकिन ये मुझे कुछ भी नहीं समझते। तू तो इतना शरारती है आज, बस क्या बतावा है, हमारा ऊपर का जी ऊपर और नीचे का जी नीचे। सच में ही मेरी इतनी आंख भराई, मुझे एकदम रोना आ गया। मैंने सच में ही सोचा कि आज मेरे कोई से बच्चे के कुछ होगा, पांचों बच्चे इनको, क्योंकि आज ये खेल रहे बेहा। एक तो हमारे विश्व के पता ना आज क्या हो रहा, 2:30 बजे से कंटिन्यू खेल रहा। क्या बस क्या खेल रहे थे, आइस पाइस दुबकी दुबका खेल रहे, आइस पाइस वाला खेल मैं जो। और ये पांचों के पांच पढ़ना तो नीचे ही, ये चारों ऊपर और विश्व ऊपर, और ऊपर वाली जो दीवार है ना वो गिर गई। कहाँ गई, वो रही इसकी वजह से। रो एकदम, मैं रोटी बना रही और एकदम जो आवाज आई ना धड़ाम, बहुत जल्दी जल्दी, जैसा ऐसा हो ना कि कहीं किस मानो ट्रैक्टर में से जैसे मतलब ईटे रिताई जावे, ऐसे जो आवाज आई ना मेरा सच में ही बहुत जी घबरा गया। मैंने की आज तो कोई से बच्चे के लग गई। फिर दीदी ने कही जी मत घबराओ, चलो ऊपर चल के देखते हैं कि किसके क्या हुआ। पर ठीक है, शुक्र है कि कोई ऐसी ग्रह सच में जो सिर्फ दीवार से ही बीच गया। मैं तो मानता हूँ मम्मी की बात, सही में हम सबके होश से उड़ गए। मम्मी मैं मानता हूँ ना बात, मानता हूँ, मैं मना कर रही कि ऊपर मत खेलो। यू ही तो होगी जो एकदम आवाज आई ना दीवार गिरने की, सच में ही ऐसे होगी भैया जो की कहा बात है। ये बच्चे मौन है, अब इनकी देख लो ये पूरे दिन ऐप कर रहे सच में। अपने आप देखियो देखियो इस तनक में जो नीचे गिर जाते, तो माने तू ऐसी बात माने कर। जब मैं जब ये नुकेर मम्मी छत जितना बन के दिखाने इतने गुण होने चाहिए बढ़ने के लिए। सच में एकदम बस यूं है कि हाँ कैसे भी करके कोई ऐसी ग्रही जो टल ही गई। सच में मैं तो यूं हाथ जोड़ू अपने देवता महाराज बाबा को कि कोई ग्रही जो टल गई और बच्चे के किसी का कुछ भी ना हो, दीवार से बीच ही चल कोई बात है, दीवार हो तो फिर चिढ़ जाएगी। खेल रहे 2:30 बजे से खेल रहे, अब तक खेल रहे और हम घूमने गए, मुझे 5:30 तो हो ही गए। क्या है ये दीदी जाने को बैठी है, पन्नू कह रही है परिणीति देख के ही जाऊंगी, परिणीति छोड़ो ही ना। वाह भाई वाह, परिणीति लवर है दीदी, देख लो नागिन भी देख कर जाइए दीदी, नागिन भी लिखट जाएगा। देखो बिल्कुल तैयार बैठी है, बैग वैग पैक करके देखो ये रही। सॉरी नागिन नहीं चलेगा, मूवी चलेगी। कौन सी मूवी, नहीं आई है। इसके जाने के मन में ना अभी नागिन भी देख लिया, नागिन भी शुरू होगा। क्यों लेट हो रही है, पैकिंग करी कराई बताओ जी। देखिए प्रणव का तो मन ना, प्रणव जाएगा, प्रणव आ जाएगी तो कल परसों छोड़ना, छोड़ दो तो। हाँ देख लो, छोड़ दो। तुम जा रही है, अरे दक्ष को वहां पर ना कुत्ता बैठा ले। अरे बैठा हूं, बैठा पापा बुलाए एक बार बुलाओ तो सही, पापा एक बार बुलाओ तो बहुत दिखाएगा पर करो आप ना रे बुला रहे सही में। सेंट तो मम्मी किसी ने लगा रखा, देख जो जो तुझे पसंद करे ना, उन्होंने कमेंट भी करी है दीदी, हंसते हंसते पेट दुखा लगा, भाई फेवरेट दी देख लो तुम्हारे कहने, बाय तक चल दी। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बाय बाय, इससे भी ज्यादा मस्ती रखो। पीछे दीदी पीछे,
बस फोन की आई है, जब फोन आ जाए जब चल दो और साइड हो जा। छोड़ के नो गए दोनों। ओ नागिन देख रही, इतना तगड़ा लगे नागिन तुझे है। नागिन नागिन हो जाती आज तो। आपने देखा हमारी जो कॉमेडी बहन थी वो जा चुकी है, मनीषा दीदी सच में घर खाली खाली सो है ना। तीन गए सही में ही। मम्मी सही रोवे जब हम चले जा ना, मतलब घर खाने को आता होगा। देखो आज दीदी गई, अभी घर खाली खाली सा लग रहा सच में। शिवानी मुझे दूध दियो। व्लॉग में करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि नागिन आ रहा है, हम भी देख लेते हैं और दीदी तो जा चुकी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे एंड अपना ख्याल रखे, अपने घर में ठीक रहे। जय माता दी।